हुकूमत हिंद की जानिब से अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स को हज कोटा अलाट हो चुका है। खानगी तौर पर सफर हज का आपने इरादा कर लिया है तो आप हज की बुकिंग अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्त पैदा करते हुए करवा सकते हैं, जहां ना कोई दरमियानी आदमी होगा, ना कोई दलाल या धोखेबाज और ना ही आपको किसी किस्म की गलत मालूमात फराहम होंगी। आजकल हैदराबाद से निकलने वाले अखबारात में चंद सब एजेंट्स इश्तहार देते हुए हुकूमत से अलाट शुदा इदारों पर आग बरसाने में लगे हैं। ऐसे अफराद से आपको हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर किसी को हुकूमत कोटा अलाट नहीं करती तो इसका साफ मतलब यही है कि ऐसे अफराद आज़मीन हज को मतलूब सहूलियात फराहम करने के काबिल नहीं। यहाँ आपको ये जान लेने की ज़रूरत है कि दुनिया खयामगा नहीं, ये हयात इंसानी के सफ़र की एक मंजिल है और इसमें वो सब तकलीफ़ें मौजूद हैं जो इंसान को सफ़र के दौरान अमली तौर पर हुआ करती हैं। इन तकालीफ को बर्दाश्त करने के बाद ही इंसान अपने आराम की मंजिल को पहुंचता है। हज का फरीज़ा अदा करने वाले हजरात भी जब मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवानगी का इरादा करते हैं तो रास्ते की सौबतों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आजकल तो नई नई ईजादात ने सफ़र की मुसीबतों को कम से कम कर दिया है। लेकिन उस दौर को याद कीजिए जब आदमी मीलों पैदल चलता, ऊँटों पर रेगिस्तानों और बड़े बड़े मैदानों से गुजरता था, पीने का पानी तक मैसर ना था। हज का सफ़र तय करने वाले ये जान लेते हैं कि दुनिया खरारगाह नहीं है, ये सफर हयात की एक मंजिल है और उन्हें खुदा की मुकर्रर की हुई मंजिल तक पहुँचने के लिए इन मुश्किलों को हंसी खुशी बर्दाश्त करना है। ताहम अगर आपने जारिया साल हज का इरादा कर लिया है तो अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है 3 पैकेजेस जो हर एक की दस्तरस में है। जल्दी कीजिए, बुकिंग तेज़ी से जारी है।